हुकूमत का आवाम को ईद का तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 9.66 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा। नई कीमत 289.41 रुपए फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए लेवी समेत 82 रुपए फी लीटर टैक्स आयद। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.32 रुपए फी लीटर कमी। LPG की कीमत भी 6.45 रुपए कम कर दी गई। रिटेल और होलसेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का मिशन। छोटे दुकानदारों थोक फरोशों की रजिस्ट्रेशन का काम आज से शुरू होगा। इब्तदाई तौर पर इतलाक 6 बड़े शहरों में होगा। नई हुकूमत जो बाइडेन इंतजामिया के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिशमंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर को जवाबी खत लिखा। अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं। आलमी अमन और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। शकरगढ़ में कोरिया पलट शहरी के घर में डकैती। खवातीन को यरगमाल बनाकर बदतमीजी की। मुजाहमत पर लुटेरों ने फायरिंग कर दी। 18 साल नौजवान जामहक। लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार। बढ़ती महंगाई तैयब उर्दवान के AK पार्टी को ले डूबी। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का सामना। अपोजिशन ने अनकरा और संबोल समेत 15 बड़े शहरों में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। इस संबोल में इमाम ओगलो और अनकरा में मंसूर यवाश मेयर मुंतखब होने के करीब। अपोजिशन लीडर ने कहा है कि शख्सी इक्तदार खत्म हो चुका, अब नए दौर का आगाज होगा। तैयब उर्दवान बोले इंतखाबी नतीजे पर अपना एहतसाब करेंगे। मक्का मुकरमा में अब्रे रहमत बरस पड़ी। रियाज में भी बारिश। जहाजान में तूफानी बारिशों से सलाबी सूरत हाल। कई गाड़ियां रेले में बह गईं। वादियों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। ज्यालाबारी के बाद सहराई इलाकों में हर सू सफेदी। और 21 रमजान शेर खुदा फातह खैबर। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम शहादत। मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। आज़ादारों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।